जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहां मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहां अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल, क्या है भाई, क्या सवाल है, क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा, प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए, 100 साल पुराना रिश्ता है। तो आज कुछ दिन पहले, आगे आ जाओ, तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था, बहुत जोश है आप में, तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था, ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं ये वीडियो ले रहे थे, और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी, और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है, और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो
जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं दो तीन लोगों की सरकार वो पूरी तरीके से चलाएंगे। दो तीन और चीजें होंगी जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा शांत हो जाएं, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 अरब पतियों का कर्जा माफ किया है। आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। और सच्चाई यह है कि आज 22 लोगों के पास उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। इतना अन्याय हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री सारी की सारी पकड़ा दी, किसानों से छीना, मजदूरों से छीना, गरीबों से छीना, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। और आप देखो, मैंने मीडिया के मित्र कहा था, मगर भाइयों और बहनों ये मीडिया वाले हमारे आपके मित्र नहीं है, ये अदानी के मित्र हैं। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हो, ये मीडिया के स्ट्रिंगर्स हैं, ये भी समझते हैं, इनको सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं तो ये करते हैं, इनकी गलती नहीं है, मगर लगाम इनकी अदानी जी के, अंबानी जी के हाथ में है, जो वो कहते हैं ये करते हैं। आप देखिए रायबरेली में, अमेठी में कितना काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी उचाहर थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने रोका, स्पाइस पार्क जिसको बीजेपी ने रोका, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, निफ्ट, एफडीडीआई, ये सब हमने किया, हाईवेज बनाई, मगर मीडिया आपको ये कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं बताएगा। भाइयों और बहनों, कभी किसी किसान को आपने मीडिया में देखा है? कभी देखा? कभी किसी बेरोजगार युवा को इंटरव्यू देके देते हुए देखा आपने? कभी मजदूर की बात करी इन्होंने? अंबानी की शादी देखी, 10 करोड़ की घड़ी, लाखों रुपए का ड्रेस देखा? तो ये भाइयों और बहनों हमारे नहीं है, ये अदानी के, अंबानी के, मोदी के। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा ये दिखाएंगे, मगर किसानों की, मजदूरों की बात ये कभी नहीं करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, हमने मन बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं और 22 अरबपति बना सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। अब आप कहोगे राहुल गांधी क्या कह रहा है, करोड़ों लाखपति कैसे बनेंगे? मैं समझा देता हूं 2 मिनट में। हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग होंगे, इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी, लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में
उस महिला के बैंक अकाउंट में 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। आप सोचो, 1 तारीख को जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। अब महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों बता देता हूं, शायद हमारे यहां भाई हैं, पुरुष हैं, आपको अच्छा ना लगे मगर कहना पड़ेगा। बता दूं या नहीं बताऊं? बता देता हूं। तो देखिए, हमारे भाई मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। 21वीं सदी में महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, महिलाएं भी जॉब करती हैं, जो आप करते हो वो भी करती हैं, उनको सैलरी मिलती है? मिलती है, मिलती है ना? ठीक है। तो 10 घंटे घर के बाहर आप काम करते हो, 10 घंटे वो भी करती हैं, मगर फिर जब आप घर आते हो, महिलाएं 8-10 घंटे घर में काम करती हैं। करती है नहीं करती है? हाँ, इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया साल का जा रहा है। मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, मगर आपके हाथ वो पैसा आ जाएगा, तो सबका फायदा होने जा रहा है। अब किसानों के लिए नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लाए, देश के सारे किसान सड़क पे आ गए, धरना की, 70 किसान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। बोला ना, तो किसानों को नरेंद्र मोदी आतंकवादी कहता है। किसान सिर्फ 2 चीज मांग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में हजारों किसानों से मैंने पूछा कि भैया क्या चाहिए आपको, 10-12 बात मत बताओ, बस 2-3 बात बताओ। किसानों ने कहा, राहुल जी आप क्या कह रहे हो, हमें 10-12 चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं देखिए राहुल जी, सबसे पहले अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, वो बैंक में जाते हैं लाल कालीन लग जाता है, हम जाते हैं हमें मार के भगा देते हैं, मार के भगा देते हैं, और हमारा कर्जा कभी भी माफ नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा, याद करिए यूपीए के सरकार में 72,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया था, और सारे के सारे कहते हैं हां राहुल जी ये तो सच है आपने किया था। और मैंने उनसे कहा, मैंने उन सारे के सारे किसानों से कहा, भाई मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपका कर्जा माफ करना मेरा पहला काम होगा। और यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पहला काम किसानों के लिए कर्जा माफी, सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। और दूसरा काम जो सारे के सारे किसानों ने कहा, राहुल जी हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं वो सही दाम पे बिकता है, चिप्स का पैकेट में आलू हम उगाते हैं, एक आलू बिकता है, हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें सही दाम नहीं मिलता।
शुगर केन का नहीं मिलता, आलू का नहीं मिलता, सब्जी का नहीं मिलता, धान का नहीं मिलता, गेहूं का नहीं मिलता, मगर जब भी हम कुछ खरीदते हैं मार्केट में से सारे के सारे चीजों का दाम फिक्स होता है। कम से कम दाम हर कंपनी को मिलता है मगर हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं मिलता। तो मैंने दूसरा वायदा किया, मैंने कहा देखिए इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने किसानों के लिए लाने जा रही है। तो ये दो वायदे मैंने यात्रा में किए थे और तीसरी बात हमने मैनिफेस्टो में डाल दी। तीसरी बात यह है कि आप बीमा का पैसा देते हो, नरेंद्र मोदी जी ने बीमा योजना दी, 16 कंपनियों का पूरा फायदा दिया। जब किसानों का नुकसान होता है आपसे कहते हैं आपको इंश्योरेंस का बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा और 30 दिन के अंदर बीमा का पैसा मिलेगा। तो ये किसानों के लिए। अब सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा ना, और फिर कहते हैं देखो नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो हिंदुस्तान के युवा, उसमें से गैस निकलेगा, गैस से पकौड़े तलो और बेचो। और 2-3 लोगों ने जाके नाले में पाइप डाला और ट्राई किया, ना गैस ना पकौड़े ना कुछ। वही मामला था कोविड वाला। भाई और बहनों, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर हैं, मगर भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, चमकाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि हिंदुस्तान में कोविड से करोड़ों लोग मर रहे हैं। और जब लाइट ने काम नहीं किया तो फिर कहते हैं भाई और बहनों चलो भैया लाइट नहीं चली थाली बजा दो। और जनता मीडिया कह रही है वाह 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 क्या कमाल की बात करी। भाई और बहनों 6 साल का बच्चा जानता है कोविड कैसे फैलता है। सबको सड़क पे बैठा दिया, खड़ा कर दिया, सब लोग थाली बजा रहे हैं और कोविड धड़ाधड़ फैल रहा है, लोग मर रहे। मीडिया कह रही है देखो क्या प्रधानमंत्री है भैया, क्या थाली बजा दी, देखो नचा दिया लोगों को। नोटबंदी, गलत GST, थाली, पकौड़ा, युवाओं को यह दिया, अग्निवीर दिया नहीं भैया, अग्निवीर लिया। पहली बार दुनिया की किसी भी सेना में पहली बार जवान को बंद मजदूर बना दिया, बंदा मजदूर बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। कहते हैं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बॉर्डर में जाता है, उसे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। अरबपति का बेटा जाता है, बड़े उद्योगपति का बेटा जाता है, कहते हैं तुम अग्निवीर नहीं हो, तुम नॉर्मल जवान हो। गोली लगेगी भाई और बहनों अग्निवीर को लगेगी, और फिर अग्निवीर से कहा जाएगा हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, तुम वो शहीद हो जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, जिसको हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं देने वाली है। यह नरेंद्र मोदी का काम है। क्यों? क्योंकि अदानी को वो डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। भाइयों और बहनों, अमेठी में मैं राइफल की फैक्ट्री लाया था, AK-47 की फैक्ट्री लाया था। आप जानते हो फैक्ट्री आज तक क्यों नहीं चालू हुई है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए वो आज फैक्ट्री चालू नहीं हुई है।
इसीलिए वहां AK-47 नहीं बन रही है, AK-203 नहीं बन रही है। भाइयों और बहनों, अग्निवीर इसलिए बनाया गया है, आपको हिंदुस्तान के किसान के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को जवान नहीं मजदूर बनाया गया है। क्यों? अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। सारे के सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देखो, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखो, सारे के सारे एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, या अंबानी या अदानी। तो अब सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है? इस सवाल का जवाब देने मैं यहां आया हूं, आपके सामने रायबरेली आया हूं। भाइयों और बहनों, पहला काम 30 लाख सरकारी नौकरियां हम 15 अगस्त तक आपके हवाले करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो फैशन बना है कि बड़े बड़े लोग परमानेंट नौकरी करेंगे और हिंदुस्तान के गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लोग, किसान के बेटे सरकार में नौकरी करेंगे, ठेकेदारी प्रथा में काम करेंगे और जिस दिन उनको निकालना होता है उस दिन निकाले जाएंगे, ये अन्याय है भाइयों और बहनों। इसीलिए सरकार में, पब्लिक सेक्टर में, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रही है। अगर नौकरी मिलेगी, इज्जत की नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, गरीबों को मिलेगी, कमजोरों को मिलेगी, किसानों के बेटों को मिलेगी, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। और तीसरा, और भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम, यहां पे बेरोजगार कौन है दिखाओ हाथ, ये देखो लाइन लग गई, हाथ उठ गए। सबसे पहले भैया धन्यवाद करो मोदी जी का कि आप सबको बेरोजगार बनाया उन्होंने, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि मोदी जी आपने हमें बेरोजगार बनाया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। नहीं, अदानी जी को धन्यवाद करो, अंबानी जी का धन्यवाद करो, हिंदुस्तान के अरबपतियों को धन्यवाद करो। तो अब हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। भैया नाम क्या आपका? अरविंद कुमार जी, अग्निवीर में गए आप? ट्राई किया? नहीं जाना, ठीक है, आप बेरोजगार हो। अरविंद जी, आप मजे की बात सुनिए, आप 2 मिनट में मेरी सोच समझ जाओगे। अरविंद जी, अरबपतियों के जो बेटे होते हैं ना, उनको अप्रेंटिसशिप मिलती है, जॉब लेने से पहले उनके पापा कहते हैं बेटा जाओ 1 साल की नौकरी करो, काम करना सीखो, सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी। मगर यह मौका अरविंद जैसे युवाओं को नहीं मिलता। अरविंद जी 24 घंटा सड़क पे घूमते हैं, पहली नौकरी ढूंढते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कुछ नहीं होता। तो अरविंद जी, जून में हमारी सरकार आएगी और हम आप जैसे करोड़ों युवाओं को एक नया अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की मतलब हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा ऐसे हाथ उठा पाएंगे, जैसे अभी आपने कहा ना, मैंने पूछा भैया बेरोजगार कौन है, आप सबने उठाया, वैसे ही हम पूछेंगे भैया बेरोजगार कौन है, सब लोग हाथ उठाएंगे, हम कहेंगे भैया अधिकार मिला तुम्हें। कौन सा अधिकार? 1 साल की पक्की नौकरी का अधिकार, 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL, रेलवे, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेज स्कूल में 1 साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, हर सेक्टर में ट्रेनिंग मिलेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, हर सेक्टर में मिलेगी। और भाइयों और बहनों, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में मिलेगा, 8,500 रुपए
महीने के पहले तारीख को आप देखोगे खटाखट 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 8,500 रुपए। तो करोड़ों लाखपति महिलाएं और दूसरी तरफ युवा, सीधा हम पैसा आपके जेब में इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में इंजन में पेट्रोल डाला जाता है ना स्टार्ट करने के लिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू करने के लिए हम आपके सारे के सारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। होगा क्या, होगा क्या? देखो नरेंद्र मोदी जी अंबानी को लाखों करोड़ रुपए देता है, अंदानी को लाखों करोड़ रुपए देता है, पता क्या करता है वो? अमेरिका में जाके जर्मनी में जाके जमीन खरीदता है ना। अब हमने आपको लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को पैसा दिया, आप क्या करोगे? जर्मनी तो नहीं जाओगे, रायबरेली में माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा। घोड़ा तो आज कोई खरीदता नहीं है। और पूरा का पूरा जो आपका पैसा मार्केट में जाएगा, जो भी आप खरीदोगे सारी की सारी फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी। और भाई और बहनों, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? सर्कल है, इंजन स्टार्ट करो, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, फैक्ट्री स्टार्ट होगी रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा आप खरीदोगे, खरीदोगे फैक्ट्री स्टार्ट होगी, ये हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन शुरू हो जाएगा धड़ाधड़। और गाड़ी आगे की ओर चलेगी, और चाइना की जो गाड़ी है उसको पीछे छोड़ देंगे हम। मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन यूपी, मेड इन इंडिया। महिलाएं आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, जून 4 के बाद 400 रुपए हो जाएगा। और आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी कम है, जून 4 के बाद आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मजा आ गया मुझे, मैं सच बताऊं। और इतना जोश था, देखो देखो मैं बताऊं आपको, मैंने इस इलेक्शन में 70-80-90 मीटिंग्स कर ली है, मगर इस मीटिंग में इतना जोश था कि मुझे कहना पड़ा कि भैया मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच में परिवार में आया हूं, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और बात जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है कहां गए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहां मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहां अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो, क्या जवाब है उसका, क्या सवाल, क्या है भाई, क्या सवाल है, क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।